ये टेंशन में थकान में हो जाती है। चलो भाई अच्छा है, आज कोई खोया नहीं है। तो अभी आप सबसे विनती करता हूँ कि अभी ज्यादा कोई टाइम पास मत करना, खाना खा के जल्दी से सो जाना, ताकि कल सुबह अच्छी नींद मिलेगी तो हम लोग बढ़िया तरीके से और घूम सकेंगे। कल हम हांगकांग शहर देखने जाएंगे। बहुत मजा आया नहीं? मत पूछिए, बहुत मजा आ गया। ओह गॉड, काश अय्यर भी साथ आया होता, वो ये सब कुछ मिस कर रहा है। क्या कर सकते हैं, सबको सब कुछ नहीं मिलता ना। कौन आया? अरे सी, अय्यर विल लिव फॉर 100 इयर्स, उसी का फोन है। अय्यर का फोन है? नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ। हेलो अय्यर भाई, पहचाना? हेडालाल, अभी तक का फोन है तुम्हारे पास में? कैसे? हम लोग साथ में ही है ना, अभी आपकी बात कर रहे थे, इतने में आपका फोन आया तो मैंने बोला लाइए मैं बात करता हूँ। ठीक है ठीक है, बबीता का फोन दो। आ देता। वैसे अय्यर भाई बहुत मजा आया हांगकांग का, मतलब क्या बात करूँ, डिज्नीलैंड मतलब जबरदस्त। आप सच में बहुत सब मिस कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं जेडालाल, सबको सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना। हाँ मैं बबीता जी को देता हूँ, एक मिनट। अरे बबीता कैसी हो, क्या किया आज हांगकांग में? आज हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, राइड्स में बैठे, फायरवॉक्स देखा, परेड देखा, बहुत 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 मजा किया। गुड गुड, वाह क्या बात है। और जेठा जी ने भी मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। तुम वहाँ पे बहुत अकेला फील कर रहे होंगे ना? बबीता गोज विदाउट सेइंग, अब तुम नहीं हो तो मैं अकेला ही फील करूंगा ना। लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो आपके यहाँ पर डिनर करने आया था। अच्छा वो अंजलि भाभी है क्या सामने? जरा फोन दो ना प्लीज, दया भाभी को बात करनी है। हाँ एक एक मिनट, देता हूँ। अंजलि भाभी, दया भाभी को आपसे बात करनी है। दया भाभी, अंजलि भाभी से बात कीजिए। अच्छा बेटा सबके घर। हाँ अंजलि भाभी। हेलो दया भाभी, कैसे हो? सब लोग कैसे हैं? वहाँ क्या कर रहे हो, घूमे कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं? पहले मुझे ये बताइए, आपने डिज्नीलैंड देखा कि नहीं? पहले मुझे बोलने तो दीजिए, बहुत मजा आ रहा है अंजलि भाभी, लेकिन आप आए होते ना तो और मजा आता। काश मैं आ पाती दया भाभी, पर नेक्स्ट टाइम, पक्का नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी, ठीक है ना? मैं तो सब हो तो बोल, मुझे बात करनी है। अंजलि भाभी टप्पू के पापा को मेहता साहब से बात करनी है, तो जरा उनको दीजिए ना। हाँ हाँ ये रहे। हेलो हेलो मेहता साहब। अरे क्या हाल है भाई जेठालाल, हांगकांग निवासी। अरे क्या बोलूं मेहता साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या अच्छा नहीं किया भाई? आपको भी हमारे साथ आना चाहिए था। अच्छा उस तरह से? अरे भाई आप आते तो जरूर आते, मजबूरी थी जेठालाल इसलिए नहीं आ पाए। पर तुम क्यों चिंता करो, तुम्हारे साथ है ना, सारे लोग भिड़े है, सूढ़ी है, डॉक्टर आती है, सारे लोग तो है। नहीं नहीं वो सब तो है, बराबर है, पर आपकी कमी महसूस हो रही है। सो तो है, आप आते तो क्या सोने पे सुहागा हो जाता। इसमें तो कोई शक नहीं है जेठालाल, लेकिन अभी क्या है भाई, सितारों के आगे जहाँ और भी है, फिर कभी चलेंगे, हांगकांग वही है, हम भी यही है, चल पड़ेंगे। और हाँ सुनो जेठालाल, अभी मुझसे बात करके अपना टाइम और अय्यर भाई के फोन के पैसे वेस्ट मत करो, फोन रखो और एंजॉय करो। हाँ जेठा भाई एंजॉय। ठीक है मतलब साहब, ठीक है, ओके बाय बाय। फ्रेंड्स कल मुझे सपना आया था कि हम सब बहुत सारा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अरे गोगी इसमें नया क्या है, मुझे ऐसे सपने तो रोज आते हैं। नहीं नहीं गोली, मुझे सपना आया था कि हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हम प्लूटो, गुफी, डेजी, मिकी सब मिलने आए। कितना प्यारा सपना है गोगी। सपना तो बहुत प्यारा है, पर अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ सपना है। बच्चों कभी कभी सपने हकीकत में बदल जाते हैं, जरा पीछे तो देखो। कितने खुश हो गए बच्चे ना। यस बेटा, Oh, yeah!
क्या बात है प्लूटो। हेलो हाय प्लूटो, हाउ आर यू फ्रेंड। बेटा मेरी भी मोटर निकाल लो। आगे बोल आप। तो सरप्राइज अच्छी लगेगी ना? ये बस तो सोनू, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? सरप्राइज है बेटा। हाँ, वहाँ जाके पता चलेगा ना। चल 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 आ गया। अभी धीरे धीरे आंखें खोलो। ये सरप्राइज नहीं है सोनू, सरप्राइज तो अंदर है। एक्सक्यूज मी, कैन यू जस्ट टेक हर? राजकुमारी लग रही है अपनी सोनू तो। अरे बिल्कुल, पता ही नहीं चला अपनी सोनू इतनी बड़ी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमारी लग रही है माधवी। ए टप्पू, हमारी फोटो लेना प्लीज। हाँ, हाय। ओहो, कसले दिसते गोड। वाव, सुपर। ए टप्पू ये ना। हाँ। सोनू सच में तुम आज एकदम परी जैसी लग रही हो। कैसा लगा सरप्राइज सोनू? थैंक यू बाबा एंड थैंक यू आई। ये मेरे जीवन का सबसे बेस्ट सरप्राइज था। आवड लगा? खूब। हाँ, चलो अभी सब राह देख रहे हैं हमारी। चलो चलो तुम चेंज कर लो। जाओ अरे वाह वाह आ गए सब आ गए। माधवी भाभी, भिड़े भाई, टप्पू और सोनू कहीं गए हैं, बस आते ही होंगे। अच्छी कोई बात नहीं, सब आ जाए। फिर पता है ना सबको आज हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? हांगकांग शहर। अच्छा जेठिया। हाँ बापू जी। हम ये शहर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पासपोर्ट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना? जरूरत पड़े तभी बापू जी पासपोर्ट तो। क्या हुआ? पासपोर्ट की बैग तो बापू जी आशीष भाई के पास ही रह गई है। तूने कल रात को आशीष मोदी से पासपोर्ट ऑफिस ले लिए? नहीं बापू जी, वो क्या वो डिज्नीलैंड देख के आए ना, थक गए थे, दिमाग से ही निकल गया। कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं अभी उनको फोन कर देता हूँ। और वो डिज्नी होटल में है ना पास में, तो जाते जाते लेते जाएंगे पासपोर्ट की बैग। अभी बात कर लेता हूँ। कर फोन, टेंशन मत लीजिए बाबू जी। क्या हुआ? फोन लग नहीं रहा है उनका। लगा? चाइनीज में कुछ बोल रहे हैं, नहीं लग रहा है कुछ। तो हम मैं काम करता हूँ बापू जी, ये होटल के काउंटर से उनको बोलता हूँ कि वो होटल में फोन लगे और डायरेक्ट उनके रूम में बात कर लेता हूँ।
काउंटर पे अंग्रेजी हो गया अपना गोली जरा तो मेरे साथ आजा बैठ हाँ आजा बैठ आजा Excuse me. Yes, may I have you? He's my friend's dad, and his friend is staying in Disneyland Hotel. His name is Asit Kumar Modi. So can you just connect the call to Disneyland Hotel and find out which room he stays in? Yeah, sure. Hey, 我想问我哋食酒店啊？ 系，想问有冇有叫先生叫做阿Sim Hotel 住喺你哋嗰边嘅？ Mr. Asim Hotel. Okay, okay. Thank you, thank you. He's already checked out. 咩？ He's already checked out. क्या बोल रहे? ये तो बोल रहे कि वो होटल छोड़कर चले गए. क्या? कहाँ चले गए? वो नहीं बोला. अरे. तो अभी? अभी आपकी बात. चलो हम लोग आ गए. चलते. ये क्या? जेठा कहाँ है? आज भी लेट? और नहीं पिडू, आज अपना जेठा बड़ा लेट नहीं है। और हम सबने मिलकर उसको अपने सारे पासपोर्ट दिए थे, और उसने वही पासपोर्ट असित प्रा को दिए थे। तो वो असित प्रा को फोन लगा रहा था कि भी हमारे पासपोर्ट अब दे दो, हमको इंडिया जाना है। लेकिन असित प्रा फोन ही नहीं उठा रहे। तो जेठा प्रा डिज्नीलैंड होटल के रिसेप्शन पे गए हैं ताकि असित प्रा को वहां से फोन करके पासपोर्ट लेके यहाँ पे आ जाए। मतलब जेठा ने कल असित प्रा के पास से पासपोर्ट लिया ही नहीं। कमाल था, ग्रुप लीडर है, मार्ग में कितनी बेबजादा रहे। क्या हुआ भाई, पासपोर्ट मिले ना? क्या हुआ जेठा? वो बापूजी असित भाई तो होटल छोड़ के चले गए हैं। अरे आज हमें घर भी तो जाना है, बिना पासपोर्ट के मुंबई कैसे जाएंगे? वही समझ में नहीं आ रहा है बापूजी। जेठालाल असित भाई को फोन लगाओ, पूछो कहाँ है वो। अरे भाई कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है, क्या करूँ? अरे देवा, गेलो गेलो अपन सगळे बाराच्या भावात गेलो आता बसा भोंगलो तिकडे। नहीं नहीं भाई तू ऐसा नासीपास मत हो भाई, तू खड़ा हो। मी ना उठना। अरे कुछ रास्ता निकलता कुछ होगा भाई, तू ऐसा मत। और अब जी पे भरोसा करो, सब अच्छा ही होगा। देखा मैंने क्या सी रफे भरोसा करो। हेलो आसित भाई, कहाँ हैं आप? अरे जेठालाल मैं सिंगापुर में हूँ। क्या 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 क्या? अरे आसित भाई तो सिंगापुर पहुँच गए। सिंगापुर। अरे कसला ग्रुप लीडर है यहाँ? एक्चुअली मेरी गलती हो गई, मैंने आपको बताया नहीं। I am sorry, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, इसके लिए मैं आपको बता नहीं पाया। अरे आसित भाई हमारे पासपोर्ट आपके पास है, अभी क्या करेंगे हम लोग? हाँ हाँ मैं जानता हूँ आपके पासपोर्ट मेरे पास है, इसीलिए तो मैं फोन कर रहा हूँ। तो अभी मैं सिंगापुर से अभी के अभी हांगकांग आ रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा थैंक यू आसित भाई, थैंक यू। अरे आसित भाई बोल रहे हैं हमारा पासपोर्ट देने के लिए खास वापस हांगकांग आ रहे हैं। थैंक यू आसित भाई, थैंक यू। तो हांगकांग में हम लोग कहाँ, एयरपोर्ट पे ही मिले? नहीं नहीं एयरपोर्ट नहीं मिलेंगे, वहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ हांगकांग पहुँच के कि हम लोग कहाँ मिल रहे हैं। ओके ओके थैंक यू आसित भाई, थैंक यू। ओके जेठालाल बाय। आसित भाई बोल रहे हैं कि वो हांगकांग पहुँचते ही वापस फोन करेंगे कि कहाँ मिलना है, वहाँ मिल के हमें पासपोर्ट की बैग हमारे हाथ में थमाएंगे। तब तक चलो अभी हम लोग शांति से, हो गई शांति भाई, अभी आराम से घूमते हैं। टैक्सी टैक्सी। गोकुलधाम की टोली पहुंची हांगकांग कांग, गोकुलधाम की टोली पहुंची हांगकांग कांग। डिज्नीलैंड घूम लिया बहुत मजा कर लिया, डिज्नीलैंड घूम लिया बहुत मजा कर लिया। आसित भाई आएंगे पासपोर्ट दे के जाएंगे, आसित भाई आएंगे पासपोर्ट दे के जाएंगे, मुंबई वापस जाएंगे हम।
हम हम हे गोकुलधाम की टोली पहुंची हम 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 हे गोकुलधाम की टोली पहुंची हम 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 हे भाई भिड़े क्या इतना उदास बैठा है भाई गाने में भी बोल दिया अभी टेंशन मत ले भाई भाई जब तक हाथ में नहीं आते तब तक थोड़ा सा रहेगा अरे भाई सब हाथ में रहेगा चिंता मत कर आशीष भाई आ जाएंगे पासपोर्ट दे देंगे हाँ हंस रहा हंस रहा हूँ मैं हंस रहा दिख रहा है कैसे हंस रहे हैं ऐसे थोड़ी कोई अरे पासपोर्ट आ जाएंगे ना माधवी तो बहुत हंसूंगा आ जाएंगे आप टेंशन क्यों ले रहे हो अरे हम लोग विदेश में माधवी क्या टेंशन क्यों ले रहे हो असित भाई आने वाले हैं ना हाँ हाँ बस बस आइए देखिए देखिए आगे सब हाथी भाई आगे ये हम लोग हांगकांग के हार्बर पॉइंट पे आ गए हैं ना ये बहुत सुंदर जगह है रात को तो इसके चकाचंद और भी निखर के आती है लेकिन दिन में भी मजा है इसका तो अभी हम लोग इधर आधा घंटा है जिसको जहाँ घूमना है घूम सकते हैं ठीक है ये एक मिनट लेकिन देखिए ये पगथिया देख लीजिए हाँ आधे घंटे बाद वापस इधर ही मिलेंगे हाँ कोई कहीं भी हो घूम के इधर ही आना वापस ठीक है चलो घूमो आइए बबीता जी देखो बापू जी वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना सबसे लंबी वो ये हांगकांग की बोल रहे सबसे ऊंचे में ऊंची इमारत है 118 माले की ओहो 118 माले हाँ और ऊपर के कुछ जो 15-20 माले वो होटल है उधर बोलो वाह 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 जबरदस्त है ना नजारा एकदम बहुत बढ़िया नजारा है जैसा बापू जी कितनी मस्त जगह है मुझे गरबा करने का मन हो रहा है अरे मन हो रहा तो करो ना किसने रोका आपको थैंक यू अरे हाला मैं जानता हूं इस वक्त आप भी मेरे साथ तालियां बजा रहे हैं ये अनूठा दृश्य देख के हांगकांग के हार्बर पर गरबा लेकिन आप जानते हैं कि हम गोकुलधाम निवासी हैं और हमारी एक ही भावना में हमेशा यकीन रहा है वो है वसुधैव कुटुंबकम हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं इसलिए जहां भी जाते हैं अपनी संस्कृति की खुशबू साथ लेके जाते हैं उसे फैलाते हैं लेकिन दोस्तों संस्कृति की खुशबू तो हम सारी दुनिया को दे रहे हैं लेकिन यहाँ कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हार्बर पे गरबा करते रह जाएं वहां उनका प्लेन छूट जाए भाई आसित कुमार मोदी सही वक्त पर पासपोर्ट लेके नहीं पहुंचे तो जिसकी पूरी पूरी संभावना है तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन जो भी होगा होगा बड़ा मनोरंजक और ठाको भरा बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा हंसते हंसते For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.